राधे राधे फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे कि बस में हम सब क्यों आ गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम सब जा रहे हैं डाल्टनगंज अपनी दीदी के यहाँ, और क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको वीडियो में सब बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अचानक से प्रोग्राम बन गया डाल्टनगंज जाने का, क्योंकि हम इस बार कहीं जाना नहीं था, रांची में ही रहकर नया साल मनाना था, लेकिन अचानक से प्लान बन गया तो हम आ गए। और दीदी लोग को कुछ पता नहीं है कि हम वहाँ आ रहे हैं, तो हम उन्हें सरप्राइज़ देने वाले हैं, क्योंकि बिना बताए हुए हम जा रहे हैं, उन्हें भी अंदाज़ा नहीं होगा कि हम आने वाले हैं। तो हम निकल चुके हैं बस से, और 2 घंटे में हम चंदवा पहुँच जाएंगे, और चंदवा से फिर लल्ला के पापा हमें लेने आएंगे, रिसीव करेंगे। तो हम 4-व्हीलर से जाएंगे डाल्टनगंज, और पहुँचते रात हो जाएगी। तो फ्रेंड, काफ़ी शाम हो गई है, लेकिन लग रहा है कि जैसे रात हो गई है। तो ठंड का मौसम वैसा ही होता है कि शाम होने पर लगता है जैसे कि रात हो गई है। तो बच्चे बहुत ही खुश हैं, और बच्चों के जिद की वजह से ही हम डाल्टनगंज जा रहे हैं। तो दीदी लोग को तो पता नहीं है, मैंने आपको बताया है, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आप इन्जॉय करने वाले हो। तो आपको रास्ता सुनसान लग रहा होगा, लेकिन अगल बगल में दुकानें खुली हुई हैं और बिजी रोड है। पहले जब हम जाते थे अगर शाम में भी, तो रोड सन्नाटा हो जाता था, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है, अब हमेशा रोड बिजी ही मिलेगी आपको। तो अभी ज़्यादा रात नहीं हुई है, समझिए तो 7-8 के बीच में हम मतलब निकल चुके हैं, और पहुँचते 9 बज जाएगी, पहुँचते रात हो जाएगी। तो दीदी लोग को कुछ पता नहीं है, और उन्हें हमने फ़ोन कर भी नहीं बताया है कि हम आने वाले हैं। सुनसान रहा, ऊपर खाली लाइट दिख रहा है, कितना भयानक। अब देखो यू सब लोग जा रहे हैं रात में, अंधेरी रातों में सरप्राइज देने। तो अभी निकलने से यह भी फायदा हुआ कि रोड बिजी नहीं है, और हम आराम से जा रहे हैं। और ठंड का मौसम है, तो आपको कुहासा भी नज़र आ रहा होगा, और अभी रास्ते में बहुत सारे कुहासे नज़र आएंगे आपको, कुछ दिख भी नहीं रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छे से हम पहुंच गए, क्योंकि रोड खाली था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये है पहाड़ी ढाबा, और यहाँ पे आते जाते टाइम लोग यहाँ पे रुकते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। एक बार हम भी यहाँ आए थे तो हमने भी कुछ कुछ खाया था। तो यहाँ बहुत ही अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिलती है, और ये बहुत ही फेमस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई होती है, तभी यहाँ पूरा लाइट जल रहा है। और रास्ता आपको देखिए दिख रहा होगा, ये कुहासा गिर रहा है। हमें तो पहले लगा कि जैसे कहीं धुआँ हो रहा है, लेकिन ये धुआँ नहीं है। और यहाँ पे नदी है फ्रेंड्स, इस कारण आपको कुहासा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि नदी के पास तो वैसे भी ज़्यादा ठंड होती है। तो अब हम पहुँचने वाले, तो हम पहुँच चुके हैं, और हमने सिर्फ मेघा को बताया था मैसेज करके कि हम आने वाले हैं, और घर में किसी को ना बताए। मेघा को हमने नीचे बुलाया है गेट खोलने के लिए, और अब जब हम अंदर जाएंगे तो उन लोगों का रिएक्शन देखेंगे कि उनका रिएक्शन क्या होता है, वो अचानक से हमें देखकर कैसा फील करते हैं, वही देखना है सभी के चेहरों पर। पहले तो मेघा का देखना है, क्योंकि मेघा को पता नहीं है कि हमारे साथ गुडली भी आ रही है, तो उसे भी सरप्राइज मिलने वाला है, बाकी सभी लोगों को तो मिलना ही है। सामान लेके आ रहे हैं, सामान कैसे लाएंगे, सामान सामान नहीं जा रहा है। बना तो है, तुम तो आगे ना रहेगा वीडियो। अरे ऊपर खुला ना, ऊपर खुला, ऊपर खुला, देखो कुछ आ रहा है। हमको पहले नहीं रहा।
आ रहे हैं, आ रहे हैं। बढ़िया मौसी कहाँ है? अरे मौसी तो आ गई। ले लो यहाँ कौन है? अरे राज आज भी है, अभी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा सभी का रिएक्शन कैसा था, सभी बहुत खुश हुए और उन्हें थोड़ा सा भी पता नहीं था कि हम आने वाले हैं, सिर्फ मेघा को पता था। तो अब लगी है जोड़ों की भूख, तो यहाँ पे लिट्टी और चोखा बना हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं पहले पेट पूजा करने। गेट खोलो, क्या कर रहा है? चलो क्या है? राजा इतना लिट्टी खाने वाला है आज। राजा शुरू हो जाओ, सारा लिट्टी तुम्ही को खाना है। हाँ स्टार्ट करो।